दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी की लिखी कहानी माय डियर प्रोफेसर। अगर गर्मियों की शाम को शब्दों में बांधना हो तो कहानी बेहतर रहेगी क्या? नहीं, मुझे लगता है सबसे सटीक रहेंगी कविताएं, कच्ची सी कविताएं जिन्हें अक्सर गहरे प्रेम में पड़े लोग लिखा करते हैं। कैसी नादानी, कैसा कोरापन होता है उन कविताओं में, जैसे किसी ने अपना मन निकालकर पन्ने पर रख दिया हो। मानसरोवर पार करके गाड़ी शहर की कुछ कम भीड़ वाली सड़क पर चल रही थी और मैं बेवजह सोचती जा रही थी। पुरानी आदत थी मेरी यूं कुछ भी सोचने लगना। गाड़ी मेरे घर के आगे पहुंचकर रुकी तो मैं अपने ख्यालों से बाहर आई। अंदर आते ही सबसे पहले एक कप कॉफी बनाई और फिर हॉल में रखे सोफे पर निढाल होकर गिर गई। पूरा दिन कॉलेज लेक्चर्स और फिर कॉन्फ्रेंस रूम में व्यस्त रहने के बाद कैसी बोझिल लग रही थी ये खाली सी शाम। मुझे अपना शहर याद हो आया, जयपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर। इन दिनों कैसी आंधियां चलती थी वहां। दिन धूल के गुब्बारों, लू के थपेड़ों में खो जाते थे और शामें रूठी हुई माशूका जैसी दिखती थीं, वीरान और बुझी सी। सोचते हुए मैंने अपने बिखरे बालों को जूड़े में कसा और हाथ बढ़ाकर मेज पर रखा रेडियो ऑन कर दिया। तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था। जगजीत सिंह की आवाज़ घर के मौन को भरने लगी, पर मेरे भीतर की एक बहुत खाली जगह पर कुछ चुभा, कुछ बहुत पुराना सा। मैंने झुंझला कर रेडियो बंद कर दिया। इतनी देर से खुद को इधर उधर उलझाने के बाद मैं हार चुकी थी, अब नहीं कर पा रही थी सहज होने का नाटक। उसका आज अचानक यूं मिल जाना मेरे ठहरे मन में कितनी खलबली मचा रहा था। मानो बरसों के जतन से ठहरी झील में किसी ने पत्थर मार दिया हो, तोड़ दिए हो मिट्टी के वो बांध जिनको खड़ा करने में कई साल लगे थे, पर तोड़ने में सिर्फ एक मुलाकात। एंड कमिंग अप नेक्स्ट इज प्रोफेसर वेद अवस्थी फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी। आज यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस रूम में यही तो कहा था चांसलर ने, जब मेरी नजरें अपनी फाइल से हटकर प्रोजेक्टर की रोशनी में उसे तलाशने लगी थी। एक पल के लिए चाहती थी कि मेरे कानों ने गलत सुना हो या ये कोई और वेद हो, पर नहीं, न कानों ने गलत सुना था और न आंखों ने गलत देखा। 8 साल बाद मैं वही चेहरा देख रही थी जिसे दोबारा कभी न देखने की कसम खाई थी मैंने। पहली नजर में तो आज भी बिल्कुल वैसा ही लगा था, फिर जरा गौर से देखा, कनपट्टी पर कुछ सफेद बाल चमक रहे थे, क्लीन शेव के बजाय गालों पर हल्की दाढ़ी थी और चश्मा वही मोटे फ्रेम वाला। यानी कुछ खास तो नहीं बदला था बीते सालों में, और मुझमें क्या मैं वही मिताली थी? मैं खुद से सवाल करती हुई सामने मेज पर रखे कॉफी कप की ओर देखने लगी। कॉफी से निकलती गर्म भाप की तरह मन भी निकल आया था मेरे हाथ से और पहुंच गया था 8 साल पीछे। ये इश्क बहुत खूबसूरत मगर कुछ दोगली तासीर वाला एहसास है। अपने अजीज की फिक्र में उसके ख्यालों की अनगिनत रातें खुली आंखों या भीगी पलकों पर संभाल लेगा, पर खुद की सुध लेना एक पल नहीं सुहाता इसे। प्रेमी भूल बैठते हैं अपना पूरा वजूद, अपना अस्तित्व। मैं से हम होने का ख्वाब कहाँ खुद की खबर रखने देता है। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही इश्क में थी, लड़कपन का इश्क, समझदारी चालाकी सबसे कोसों दूर वाला इश्क। 19 साल की थी मैं, कॉलेज में नया नया एडमिशन लिया था और प्यार मोहब्बत के बारे में सुनी लाखों फंतासियां मेरे मन में भी उतनी ही रटी हुई थीं जितनी इस उम्र की किसी भी लड़की के मन में होती हैं। उसी दौर में तो वेद से इश्क हुआ था मुझको। वेद कॉलेज में प्रोफेसर था, गेस्ट प्रोफेसर। जिस दिन पहली बार क्लास में आया था और बोला था, डियर स्टूडेंट्स, आई एम वेद अवस्थी, मैं आपको ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा और आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बस उसी दिन मेरा दिल अपनी हर रोशनी उसके नाम कर बैठा था, वेद अवस्थी, माय डियर प्रोफेसर। मैं बेंच पे चेहरा टिकाए एक टक उसे देख रही थी, एक टक। फर्स्ट रो राइट कॉर्नर, यस यू। मैंने अभी जो पढ़ा है उसको जरा एक्सप्लेन करो, उसने मार्कर से मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा था और मैं हल्का सा मुस्कुराती हुई, थोड़ा सा घबराती हुई चुपचाप खड़ी हो गई थी। इट्स ओके, सिट डाउन, ध्यान दो क्लास में, उसने कुछ सख्त आवाज में कहा तो मैं बैठ गई। ये पहली बार था जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी थी।
क्लास में मुझसे सवाल पूछने का सिलसिला उस रोज जो शुरू हुआ तो रोज का नियम बन गया। मैं उसके सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा टाइम देती थी और अगले दिन पढ़ाया जाने वाला टॉपिक पहले से पढ़ के जाती थी, पर उसके सामने आते ही न जाने कैसा काला जादू होता मुझ पर कि सब साफ हो जाता। अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, इन सब से दूर मेरे दिल ने तो एक अलग ही विषय बना लिया था, प्यार। हाँ, प्यार ही हो गया था मुझे उससे। जानती ही कितना थी मैं उसे, हफ्ते के 4 लेक्चर्स में पढ़ाई गई ऑप्टिक्स जितना या फिर उतना भी नहीं। पर प्यार ये जान पहचान के हिसाब किताब देख कर कहाँ होता है, जब होना होता है तो बस एक नजर में हो जाता है। वो दिसंबर की दोपहर थी, बिना धूप वाला वो धुंध भरा दिन किसी कश्मीरी लड़की के गालों जैसा लगता था, हल्का गुलाबी। प्रोफेसर वेद क्लास से निकलकर पार्किंग में खड़ी अपनी बाइक की तरफ बढ़ रहे थे और मैं उनके पीछे पीछे दौड़ती जा रही थी। नए नए मगर पागलों जैसे इश्क ने थोड़ी नज़दीकियों की मांग की थी और मैं चली थी वही मांग पूरी करने। एक्सक्यूज मी सर, मैंने एकदम उसके पास जाकर कहा और वो पलट गया। वो थोड़ी हैरान नज़रों से मुझको देख रहा था और मैं हमेशा की तरह सब भूलकर चुप खड़ी थी, एकदम चुप। खामोश पल अक्सर बहुत कुछ कहते हैं, पर असरदार सिर्फ तभी होते हैं जब खामोशी के मायने दोनों तरफ एक जैसे हों। उस रोज मैं बहुत देर चुप खड़ी रही थी, पर वेद के कुछ समझने का सवाल उठता ही कहाँ था। यस, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? वेद ने पूछा था। मैं उसकी चश्मे के पीछे से झांकती समंदर जैसी गहरी गंभीर आंखों से बाहर निकली और बोली, हाँ वो जी, वो मैं फिजिक्स में काफ़ी वीक हूँ। आई नो, पर मुझसे क्या कोई नोट्स वगैरह चाहिए? उसने जिस तरीके से भवें उचकाई, साफ था कि उसकी नज़रों में मैं ऐसी स्टूडेंट थी जिस पर अक्सर टीचर्स अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। पर मुझे कहाँ फ़र्क पड़ता था ऐसी किसी भी बात से, मुझे तो सिर्फ उसके साथ उसके करीब रहने से मतलब था। आप मुझे एक्स्ट्रा क्लास दे सकते हैं क्या, प्राइवेट ट्यूशन? सर प्लीज़ मना मत कीजिएगा, एग्ज़ाम बहुत पास हैं, आपने नहीं पढ़ाया तो मैं फेल हो जाऊँगी, प्लीज़ सर प्लीज़। मैं एक बार में ही सब बोल गई और फिर प्लीज़ प्लीज़ की लाइन लगा दी। वो भी मना नहीं कर पाया, थोड़ा सा सोचता रहा फिर बोला, अच्छा ठीक है, शाम को 5 बजे मेरे घर पे। ओके सर, थैंक यू सो मच। उस दिन लगा था जैसे आधी दुनिया अपने कब्जे में कर ली है। ये भी कहाँ पता था कि नज़दीकियाँ ही समय की दरारों में दूरियों की टीस बोती हैं। यही साथ बिताए पल ही फासलों के दौर में आंसू बनकर तकिए भिगोया करते हैं। 8 साल बाद आज कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर कुछ इधर उधर की बातों के बाद आज उसी वेद ने कहा था मुझसे, मिताली कल शाम को खाली हो कॉलेज के बाद, मिलें कहीं बाहर? आज मैंने उसे पहले वाली मिताली की तरह बार बार थैंक यू नहीं कहा, बस एक ठीक कहकर काम चला लिया। और वो कितना सहज था आज, जैसे सालों बाद नहीं रोज मिलने वाले करीबी दोस्त हों हम। और जब मैं प्रेजेंटेशन दे रही थी तब कैसे पूरा ध्यान लगा के सुन रहा था मुझको, सोच रहा होगा फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास के लिए मनोहार करने वाली मिताली इतनी बड़ी बड़ी थियोरीज कैसे बांटने लगी, या पता नहीं क्या सोच रहा होगा। बेचैन होकर मैं कुछ देर छत पर टहलने चली गई। आज घर के किसी कोने में मन को चैन नहीं था। अकेलापन क्या होता है, कितना सताता है, ये उस रोज बेहतर समझा जा सकता है जिस रोज खुद के साथ रहना उबाऊ लगने लगे। कुछ ऐसा ही दिन था आज। मैं छत के कोने पर खड़ी गर्म कॉफी का कप थामे कभी उन बीते दिनों की दीवानगी, अपना पागलपन याद कर रही थी तो कभी इस सवाल पे अटक रही थी कि कल शाम उससे मिलने जाऊं या नजरअंदाज कर दूं, जैसे वो मुझे किया करता था, जैसे होकर भी नहीं थी मैं उसके लिए। मैं हमेशा से थोड़ी पागल थी या उसके प्यार में हुई थी मुझे ठीक से याद नहीं आता, मगर हद दीवानगी थी वो। मैं फिजिक्स की किताबों के पीछे कविताएं लिखने लगी थी और फिर हर कविता के अंत में उसका नाम, वेद। उन दिनों मेरे लिए हर लफ्ज का वजूद सिर्फ एक नाम से ही तो था। रोज समय से पहले पहुंच जाती थी उसके घर, गुड इवनिंग, मैं उसके दरवाजा खोलते ही चहक कर कहती थी हमेशा, और फिर चाहती थी कि कुछ देर इधर उधर की बातें हों।
वो अपनी पसंद की कुछ चीजें मुझे बता दे या फिर मेरे पहने सूट की तारीफ कर दे। मेरी न सही, मेरे दुपट्टे के रंग की ही कर दे। रंग से याद आया, एक बार क्लास में रेनबो पढ़ाते हुए वो उनकी वेवलेंथ के बारे में समझा रहा था, तभी किसी बात में उसने अपने फेवरेट रंग का जिक्र किया। उस पूरी क्लास में मुझे कुछ याद रहा तो वो था नीला रंग, उसका फेवरेट। उस शाम नीला सूट पहनकर ही गई थी मैं उसके घर, सोचा शायद आज कुछ कहे, पर कहां पड़ती थी उसकी नजर मुझ पर। मैंने कई दफा तो सोचा खुद ही पूछ लूं कि तुम्हारा पसंदीदा रंग मुझ पे कैसा लगता है। जब मैं तुम्हारे लिए अपने घर से सूजी का हलवा बना के लाती हूं तो तुम्हें अच्छा तो लगता है ना, और तब जब तुम किताबों में खोए रहते हो और मैं नजरें चुरा कर तुमको निहारती हूं, तब क्या तुम्हें जरा भी नहीं महसूस होता मेरा झुकाव, मेरा प्यार? कहो ना वेद, क्या इतनी बुरी हूं मैं? और सबसे अहम सवाल, क्या मैं तुम्हें सिर्फ वेद बुला सकती हूं? यह आखिरी सवाल तो पूछ भी लिया था मैंने। वो कुछ देर सोचता रहा था और फिर बोला था, हाँ नो प्रॉब्लम, पर सिर्फ घर में, कॉलेज में नहीं। हाँ, मुझे बहुत बड़ी उपलब्धि जैसा लगा था उसे उसके नाम से पुकारने का यह हक। प्रेमी को उसके नाम से पुकारना एक और बार मोहब्बत में पड़ जाने जैसा ही तो होता है। उन बीते दिनों की यादों में डूबे डूबे जाने कब रात गहराई और कब अगला दिन भी बीत गया। हर पल मन अतीत के कोटरों से पुराने लम्हे चुनता रहा और सोचता रहा, जिस कड़वे वक्त ने मुझे उससे कोसों दूर धकेला, उसे याद रखूं या अपनी तरफ से हर पल मुकम्मल रहे इश्क को? चली जाऊं आज वेद से मिलने या नहीं? खुद का मन ही दो हिस्सों में बट जाए तो फैसला लेना सबसे मुश्किल होता है। पर सब बातों के परे कुछ बचा था आज भी मन में, जिसकी बदौलत शाम 5 बजे मैं आईने के सामने खड़ी थी और सोच रही थी, कौन सी साड़ी पहनूं? हरी नहीं, गुलाबी नहीं, नहीं नहीं, ज्यादा चटक हो जाएगी, फिर हाँ ये सही है। मेरी नजरें अलमारी के कोने में पड़ी नीली साड़ी पर अटकी थी। ब्लू इज माई फेवरेट, यही कहा था वेद ने। वो कुछ अजनबी सी शाम थी, जैसे अपनी होकर भी अजनबी। मैं यूनिवर्सिटी कैंपस के पास वाले कॉफी शॉप में उस इंसान के साथ बैठी थी जो किसी समय मेरे लिए सब कुछ था, पर अब कहीं खो गए थे वो सब कुछ वाले दायरे। सो कैसी रही, कैसा चल रहा है सब? वेद ने पहले जैसे ही सहज स्वर में पूछा। ऑल गुड, तुम बताओ? मैंने भी सहज होने का दिखावा किया। बस बढ़िया। तुमने फिजिक्स में PhD करने का मन कैसे बना लिया? फिजिक्स तो बहुत वीक थी ना तुम्हारी, उसने पूछा। तो मैं कहना चाहती थी कि मोहब्बत में फेल हुए लोगों को दुनिया का हर विषय आसान लगता है, वो चाहे फिजिक्स हो या जिंदगी। बस ऐसे, अब पसंद है मुझे फिजिक्स, मैंने सिर्फ इतना कहा। हाँ हाँ, आई सी दैट, काफ़ी मास्टर हो गई हो। वो न्यूक्लियर फ्यूजन वाला टॉपिक तुमने कॉन्फ्रेंस में अपनी रिसर्च का जिक्र किया था, जिसपे तुम्हें पता है आज तक मुझे नहीं समझ आया कभी, और तुम कितना अच्छे से। सोच रहा था जब तक जयपुर में हो तुमसे एक्स्ट्रा क्लास ले लूँ, उसने हंसते हुए कहा। पर मेरे लिए ये बात हंसी मजाक की नहीं थी, यही तो थी वो तराजू जिसमें तौला जाना मुझको सबसे ज्यादा चुभा था। 8 साल पहले उस दिन मैं सोचकर गई थी कि वेद से अपना प्यार साफ साफ शब्दों में कह दूंगी। वो मैकेनिक्स की बड़ी सी किताब लिए बैठा था उस रोज, मुझे यूं बेवक्त आया देखकर चौंका तो मैंने कहा, कोई जरूरी बात करनी है। शायद प्यार के इजहार से ठीक पहले हमेशा कहे जाने वाले इन शब्दों से प्यार छलक जाता है एकदम साफ साफ। उसने भी तो पढ़ा होगा मेरा प्यार, तभी तो अचानक बिगड़ गया था मुझ पर। वेद, वो मैं तुमको बताना चाहती थी कि मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि वो सख्ती से बोला, मिताली इन सब फालतू की बातों में कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई पे ध्यान दो, और अगर तुम्हें नहीं भी देना तो प्लीज मुझको डिस्टर्ब मत करो, मत घसीटो इन लफड़ों में। मेरे कुछ गोल्स हैं, कुछ करना चाहता हूं मैं लाइफ में, करियर में, तुम्हारी तरह नहीं। खैर, तुम कहां समझोगी ये बातें। कितने कठोर थे शब्द, जैसे खुद इश्क ने मुझको धिक्कार दिया हो। अगर उसे प्यार नहीं भी था तो इनकार कर देता, मगर इस तरह ऐसे कैसे कह सकता था वो? कैसे मेरे पढ़ाई लिखाई की तरफ कम रुझान को मेरे प्यार करने के हक से जोड़ सकता था? कहां लिखा था कि पढ़ने लिखने वाले लोग प्यार नहीं करते, या फिर जिनको प्यार हो जाए वो जिंदगी में कामयाब नहीं होते? हाँ नहीं थी मैं बहुत समझदार, हाँ नहीं आता था मुझको चालाकी के चोले तले मन छुपाना, हाँ सस्ती समर्थी थी मैं उसको रिझाने के लिए। तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं था कि मैं किसी काबिल नहीं हूं या मेरे कोई लक्ष्य नहीं हो सकते? खैर,
तुम नहीं समझोगी ये बातें। वेद की कही यही एक बात थी जिसने सब बदल दिया था और वक्त ने मुझको। अब मैं वो मिताली कहाँ रही थी? अब मैं और वेद अक्सर मिलने लगे थे। मैं चाहती थी कि उससे ना मिलूं, उसी की तरह बेरुखी भरा इनकार कर दूं, पर मैं नहीं कर पाती थी। वो कभी यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस रूम में मुझको मुस्कुराता हुआ दिख जाता, तो कभी स्टाफ रूम में, कभी लंच में मेरे पास आकर बैठ जाता, तो कभी लाइब्रेरी में किसी किताब को डिस्कस करने के बहाने बात शुरू कर देता। शाम को खाली हो, कहीं बाहर चलें? अक्सर इस सवाल पर ख़त्म होते थे उसके डिस्कशंस। मुझे उसका मेरी तरफ झुकना, मुझसे बात करने की, मेरे साथ वक्त बिताने की कोशिशें करना कहीं ना कहीं भाता भी था, पर कहीं मेरे स्वाभिमान पर उसके शब्दों की चोट अब भी बाकी थी। उसे देखकर जैसे फिर हरा हो जाता था वो जख्म, और ये बात पता नहीं वो कब जान गया। उस शाम हम अल्बर्ट हॉल के सामने वाली सीढ़ियों पर बैठे थे। उसने कहा, मिताली कोई बात है क्या? बात नहीं, नहीं तो? मैंने उसे नजरें फेरते हुए कहा, नहीं कुछ तो है, आई कैन फील इट। ओ थैंक गॉड, प्रोफेसर वेद फीलिंग समथिंग, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है ये तो, मैंने तंज कसते हुए कहा। मिताली ऐसे बात मत करो प्लीज़, उसने कहा तो मैं कुछ नहीं बोली। चुपचाप अल्बर्ट हॉल के छज्जों पर अपने आशियानों में दुबकते कबूतरों को देखती रही। वो हौले से बोला, अब तो प्लीज़ गलत मत समझो मुझे। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैं जानता हूँ मैंने बहुत हर्ट किया था तुमको, मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता था कि तुम लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ, कुछ बन सको। यकीन मानो आज मैं तुमको इस मुकाम पे देख के तुमसे ज़्यादा खुश हूँ, बहुत खुश। तुम नहीं जानती कि आज भी अपने लेक्चर्स के दौरान फर्स्ट रो के राइट कॉर्नर पर मेरी नज़रें अटक जाती हैं। नीले सूट में किसी लड़की को देखता हूँ तो तुम्हारा चेहरा दिखता है उसमें। एक बावली स्टूडेंट मुझे हमेशा याद रही। मैं अब भी चुप बैठी थी। आज वेद बोल रहा था। जानती हो, मेरे आसपास रहने की तुम्हारी वो छोटी छोटी कोशिशें मुझसे छिपी नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि वो सही वक्त नहीं था। शायद मैं फिजिक्स के प्रोफेसर की तरह प्यार को किन्हीं समीकरणों में बांधने लगा था। मैं गौर से उसकी गहरी आंखों में देखने लगी। पहली बार कुछ मनचाहा दिखा उन आंखों में। इन बीते सालों में इतना तो मैं भी समझ गई थी कि कई बार किसी का साथ हमें वो मुकाम नहीं दिला सकता जो उसका दिया हुआ धक्का दिला देता है। शायद बेपरवाह सी मिताली को संजीदा इंसान बनाने के लिए जरूरी था वेद का वो धक्का, मगर इतनी तकलीफ नहीं, मैं हाँ नहीं कह पा रही थी। वो मेरी तरफ झुका और बोला, मैम एक डाउट है, मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी या अभी को चांस है? मुझे हंसी आ गई। मैं फिजिक्स के कठिन फॉर्मूले की तरह अपनी नाराजगी भी भूल गई। वो फिर बोला, वैसे अगर आप अभी जवाब नहीं दे सकती हैं तो नो प्रॉब्लम, मैं एक्स्ट्रा क्लास के लिए तैयार हूँ, जिंदगी भर होम ट्यूशन यू नो, प्लीज माय डियर प्रोफेसर। बस इतनी सी थी ये कहानी।